नमस्कार साथियों, मैं सुशील वर्मा आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आत्मा कांप उठेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कमजोर दिल के लोग हैं वो इस वीडियो को ना देखें। ये कहानी है एक 19 साल के लड़के की और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं पुलिस के कुछ ऐसे अधिकारी जिनकी करतूत की वजह से वो बच्चा, उसके परिवार के लोग एक साल से भी ज्यादा समय तक टॉर्चर होते रहे। और उसी जिले में, भिवानी जिले के बड़े अधिकारी अपने उन महान पुलिस वालों की करतूतों पर पर्दा डालते रहे और उनको क्लीन चिट देते रहे। भला हो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का, भला हो पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स का, जो आज भी शायद समझते हैं कि हाँ हमारे ही अधिकारियों में कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे पुलिस के अधिकारी बेईमान हैं या बुरे हैं या ऐसे इस तरह के टॉर्चर करने वाले हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको दबाने के लिए पूरा महकमा कैसे सक्रिय हो जाता है, ये भी इस कहानी का मुख्य हिस्सा रहेगा। तो ये बात है 4 जून 2023 की रात की। एक 19 साल का लड़का, घर से छोटी मोटी कोई बात हो गई और भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में आके रात को सो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक अपने ही गांव के किसी लड़के से खाना मंगा लिया, आशीष उसका नाम था, दूसरे किसी का फोन नंबर, क्योंकि आशीष का उसे फोन नंबर जबानी याद था। आशीष उसे खाना देके समझा बुझा के चला गया। 12:30-12 बजे के आसपास पुलिस का एक कर्मचारी आता है, पूछता है क्यों सोया हुआ है। कुछ देर बाद दो पुलिस वाले और मोटरसाइकिल पर आते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं दिनोद गेट पुलिस चौकी में। और जो पकड़ के लेके गए थे उनमें एक था ASI दशरथ, जो वहां की चौकी का इंचार्ज था, और दूसरा था ASI धर्मवीर। नामों पे गौर मत करना आप कि दशरथ नाम और धर्मवीर नाम है तो सारे ये धर्म का ही पालन करते होंगे या रघुकुल की नीतियों का ही पालन करते होंगे। राक्षसों के नाम भी हो सकते हैं दशरथ और धर्मवीर, पार्डन माई लैंग्वेज। तो इस बच्चे को वहां पर पकड़कर ले गए। और ये मैं नहीं कह रहा, जब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने जो अपना जजमेंट सुनाया, जो अपना डिसीजन दिया है, उसके अंदर लिखी हुई है सारी बातें। ये कहीं कोई सोचे कि मैं मन घड़ंत बातें बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, कोई चाहे तो मेरे से पेपर ले भी सकता है। तो जब प्रशांत को वहां पर पकड़कर लेके चले गए 5 जून की रात को, 4 जून की रात को और 5 जून की सुबह हो गई थी जब तक उन्होंने अपनी कागजी खाना पूर्ति पूरी करी। और सुबह 5 जून को 9 बज के कुछ मिनट पे उन्होंने प्रशांत के पेरेंट्स को फोन किया, ASI धर्मवीर ने, कि आपका बच्चा यहां पर है, एक बार आ जाओ जल्दी से। अब किसी भी माँ बाप को जब पता चलेगा उनका लड़का पुलिस ने पकड़ रखा है तो वो आएंगे एक दो और लोगों को लेके। उसके पिताजी अशोक कुमार और उसकी माता बाला देवी वहां पर पहुंचे, पूछा क्यों पकड़ रखा है, बताया कि इसने एक स्कूटी चुरा ली। उन्होंने कहा कि तो स्कूटी चुराना जानता ही नहीं, ये तो वैसे ही भोला वाला सा बच्चा है, वैसे मतलब एक तरह से मानसिक तौर पर उतना परिपक्व नहीं है 19-20 साल के बच्चे के जितना, और स्कूटी चलाना तो ये हरगिज भी नहीं जानता। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम जांच पड़ताल करेंगे और छोड़ देंगे शाम तक। वो लोग चले गए। कुछ लेन देन की बात भी हुई कि अगर कुछ है तुम्हारी जेब में खर्चा पानी तो दे दो, अभी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, मजदूर आदमी, हमारे पास कुछ भी लेने देने को नहीं है, और आप पता कर लो, जांच कर लो, अगर इसी गलती हो तो कोई बात नहीं, हम खुद कहेंगे कि सजा दो जी, लेकिन वास्तव में स्कूटी चलाना नहीं जानता और स्कूटी चुराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चले गए। अगले दिन फिर सुबह आए अशोक कुमार जी, उन्होंने 10,000 रुपये ASI धर्मवीर को दिए कि छोड़ दो। उसने वो 10,000 रुपये फेंक के मारे कि भीख थोड़ी मांग रहे हैं, 50,000 का मैटर था, 5 साल कम कर सकते हो, लेकिन 40,000 से कम में बच्चा नहीं छूटेगा। वापस चले गए। वापस जाने के बाद गांव के सरपंच को, एक्स सरपंच को, सुधीर कुमार हैं, उनको फोन किया। वो एक दो पंचों को लेके और सुधीर कुमार साथ आके आए। लगातार 3 दिन तक 4 दिन तक चक्कर काटते रहे, 6 को 7 को 8 को 9 को और 10 तारीख को ये लोग आए, लेकिन नहीं छोड़ा। इस दौरान उस बच्चे के साथ टॉर्चर होता रहा। फाइनली 11 तारीख को उन्होंने उसे कोर्ट में पेश करके और एक FIR का हिस्सा बना दिया। अब चौंकाने वाली और हैरानी करने वाली, इंटरेस्टिंग करने वाली बातें आपको इस वीडियो में आगे सुनने को मिलेंगी कि कौन सी वो FIR थी, कौन सी वो स्कूटी थी। खैर, मैं आपको इस जो जजमेंट है ये मैं इसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, जो ऑर्डर है ये स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का, और ये 13 अगस्त 2024 का ऑर्डर है, और चेयरपर्सन और दोनों मेंबर्स के इसके ऊपर साइन है, और मैं उसके हिसाब से आपको ये घटनाएं बताता हूं।
तो जब 10 तारीख को उन्होंने मना कर दिया 40,000 रुपए देने से और सरपंच की बात भी नहीं मानी, तो एक ऐसी स्कूटी जो 26 मई 2023 को गुम हुई थी और जो स्कूटी 27 मई जिसके लिए एक स्कूटी के ओनर ने 27 मई 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई थी और जो स्कूटी पुलिस को 29 मई 2023 को रिकवर हो गई थी और जो स्कूटी कोर्ट के आदेश पर 31 मई 2023 को उसके ओनर को वापस हैंडओवर कर दी थी, स्कूटी का नंबर है HR16L9510, उस स्कूटी की चोरी के इल्जाम में उस स्कूटी को रिकवर करने के लिए उस मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने इस प्रशांत नाम के लड़के को 5 तारीख की रात हॉस्पिटल से ये अपने कागजों में दिखाया कि ये मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सदस्य है, जो स्कूटी मिल ली जाली। अब सुनवाई शुरू हुई, जो बच्चे के पेरेंट्स थे अशोक कुमार और बाला देवी एसपी से मिले, एसपी ने जांच करवाई, एसपी ने जांच में कहा कि तो ठीक है भाई, हमारे पुलिस वाले अधिकारी सही काम कर रहे हैं। आईजी से मिले, आईजी ने फिर से एसपी को वो एप्लीकेशन उनकी कि इसकी री इन्वेस्टिगेशन करवाओ वो रेफर कर दी। उन्होंने एसपी भिवानी ने एएसपी मयंक गुप्ता को दे दी, डॉक्टर मयंक गुप्ता जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने भी जांच पड़ताल में अपने अधिकारियों को ओके कहा कि ये तो ठीक है, गिरोह है और ये ठीक कर रहे हैं हमारे ऑफिसर दिनोद गेट चौकी वाले। लेकिन जब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने ये सारी चीजें आई, जब उन्होंने सबके बयान लिए, उन बयानों में ये आया कि जिस जगह से वो स्कूटी चुराई हुई दिखाई गई थी वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था, ब्लड बैंक के सीसीटीवी हैं, और पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से वहां से कोई सीसीटीवी फुटेज में इस बच्चे की प्रेजेंस नहीं आ रखी 26 मई को रात को जिस दिन ये स्कूटी चोरी हुई थी, और पुलिस की फाइल भी वो लगी हुई थी लेकिन इस लड़के का कोई भी जिक्र वहां पर नहीं था, ना ही उस सीसीटीवी फुटेज का कोई भी जिक्र था और ना ही उस सीसीटीवी फुटेज में वो प्रशांत नाम का लड़का वहां पे पुलिस ने अक्यूज दिखाया हुआ था। जांच पड़ताल से यही पता चला कि उन्होंने जब 11 मई को कोर्ट में पेश किया एएसआई दशरथ और एएसआई धर्मवीर ने, तो उन्होंने कोर्ट को ये बताया था, सीजेएम कोर्ट को, कि हमें ये लड़का प्रशांत ये जो सिविल हॉस्पिटल में जो पुलिस चौकी है उन्होंने इसको वहां पे अकेले घूमते हुए पकड़ा था, क्योंकि ये और किसी ताक में था, किसी मोटरसाइकिल चुराने की ताक में था, और हम तो उनसे लेके आए हैं, और एफआईआर में भी ये लिखा हुआ है कि ये लड़का सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मौजूदगी में और पुलिस चौकी सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मौजूदगी में एएसआई धर्मवीर को हैंडओवर किया गया, जबकि वहां पर मौजूद जब जांच पड़ताल हुई जो वहां के चौकी के इंचार्ज थे रमेश कुमार, उन्होंने साफ डिनाई किया, मना कर दिया कि ऐसा कोई भी मामला 5 जून की रात को नहीं हुआ, 4 जून की रात को नहीं हुआ, मुझे कोई भी ऐसे हमारे रिकॉर्ड में चीज नहीं है। और अशोक कुमार ने ये चीज आरटीआई के जरिए मांग के पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को दिखाई भी कि यहां हमने 4 या 5 जून की रात को किसी बच्चे को अरेस्ट किया हो या किसी को हैंडओवर किया हो, सिविल हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी ने ऐसा उनके पक्ष में बयान नहीं दिया कि ये बच्चा यहां पर अरेस्ट किया गया था। तो एक तरह से उनकी ये बात झूठी साबित हुई कि ये बच्चा हमने नहीं, ये तो पुलिस चौकी सिविल हॉस्पिटल वालों ने पकड़ा था। और आगे क्या क्या झूठ उभर के सामने आए इन दिनोद गेट पुलिस चौकी वाली गैंग के, कि इन्होंने ये कहा, सबसे बड़ा झूठ, कि जब जांच पड़ताल करी और हम तो जिम्मेवार अधिकारी हैं, हमें तो पता है कि 24 घंटे से ज्यादा किसी को डिटेन कर नहीं सकते, तो जब जांच पड़ताल करी तो 6 जून को हमने इस बच्चे को वापस भेजने की तैयारी कर ली थी, पेरेंट्स को फोन किया, वो आए भी और उन्होंने से ले जाने से मना कर दिया। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि जिस बच्चे को छुड़वाने के लिए हम गांव के सरपंच को, पंचों को, पुलिस के एसपी के पास ऐसे दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, और खुद पुलिस वालों ने कहा कि आओ दिनोद गेट से लेके इस चौकी से अपने बच्चे को लेके जाओ, और उन्होंने रिकॉर्ड ऐसे स्टेटमेंट में दिया कि उन्होंने ले जाने से मना कर दिया, दे रिफ्यूज्ड टू टेक हिम बैक टू द होम, तो एक ऐसा झूठ बोला। तो फिर उनसे पूछा गया कि फिर वो लड़का गया कहां, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 जून की रात से और 11 जून तक इलीगली 7 दिन तक हमने उसे रखा, टॉर्चर किया, जब ये बात उनके ऊपर आई तो उन्होंने ऐसे दिखा दिया कि हमने तो बच्चे को 6 जून को ही छोड़ दिया था। कहां छोड़ दिया था,
पेरेंट्स ने लेने से मना कर दिया, तो हमने लड़के के मामा जय भगवान को फोन किया। जय भगवान जो कि बापुड़ा गांव के हैं, और उनको इसलिए फोन किया कि भाई पेरेंट्स ने ले जाने से मना कर दिया, और रिकॉर्ड में दिखा रखा, उन्होंने नकली रिकॉर्ड बनाया बाद में, तो ये साबित हो गया कि नकली रिकॉर्ड बनाया हुआ है, कि हमने ये लड़का किसी सुनील सन ऑफ नरेश बापुड़ा गांव उसके हवाले कर दिया, और लड़का अपने माँ बाप के पास मामला जाना नहीं चाहता था। जब सुनील से पूछताछ हुई, जब नरेश से पूछताछ हुई, तो ये पता चला कि ये सुनील और नरेश एएसआई दशरथ के रिश्तेदार थे, और नरेश ने अपना बयान दिया कि क्योंकि हमारे गांव में उसके मामा थे और मैं उसके मामा जय भगवान को, उमेद को और नंदी को जानता था, तो नंदी को मैंने फोन किया कि भैया तुम्हारा भांजा है प्रशांत, ऐसे ऐसे पुलिस ने उसको डिटेन कर रखा है और अब वो छोड़ने को तैयार हैं, तो क्या करूं। तो नंदी ने मुझे कहा कि भाई इसे अपने पास अपने गांव ले आओ बापुड़ा में। जब जांच पड़ताल हुई, आपको एक तरह से चौंक जाएंगे ये बात जान के, जब जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि एएसआई दशरथ का जो रिश्तेदार बापुड़ा निवासी सुनील ये स्टेटमेंट दे रहा था कि प्रशांत के मामा नंदी ने कहा कि भाई इसको यहां ले आओ, ये उसने कहा 6 जून 2023 को, और अशोक कुमार ने, प्रशांत के पिताजी ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, डेथ सर्टिफिकेट दिखाया कि जिस नंदी से 6 जून 2023 को होने की बात की जा रही है, उस नंदी की 8 अगस्त 2022 को डेथ हो चुकी है। जो इंसान जिंदा ही नहीं है, कैसे तो उसने एएसआई दशरथ से बात कर ली, कैसे उससे सुनील ने बात कर ली, कैसे उससे नरेश ने बात कर ली। एक और झूठ उजागर हुआ, उसके बाद एक और नया कारनामा इन लोगों ने किया। जो हुआ एक्चुअल में वो ये था कि 6 को प्रशांत को पकड़ने के बाद और भी शिकार चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। तो जिस आशीष को प्रशांत ने खाना देने के लिए बुलवाया था सिविल हॉस्पिटल भिवानी में रात को, पुलिस के अरेस्ट करने से पहले, उसका नंबर की चिट उसके जेब में थी, उसे फोन करके बुलवाया। बुलवाया कैसे? बस स्टैंड के पास पुलिस के जिप्सी में बैठा के ले गए प्रशांत को, और एक फोन देके कहा एएसआई धर्मवीर ने कि आशीष को फोन करो। प्रशांत ने, क्योंकि उसको पहले ही मारपीट रखा था, डरा रखा था, आशीष को फोन कर दिया, और जो उनने बोला था वैसे उसने बोल दिया। क्या बुलवाया उससे? कि भाई मेरा किसी दुकानदार से झगड़ा हो गया है पुराने बस स्टैंड के पास, और तू 2-4 लड़कों को लेके आ जा। वो बोला भाई, प्रशांत बोला कि भाई मोटरसाइकिल में तेल नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है, गांव में लड़कों के पास जो जिनके ज्यादा आर्थिक स्थिति नहीं होती परिवार की, मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो जाना कोई अननेचुरल सी बात नहीं थी। उसने कहा प्रशांत भाई मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, नहीं तो मैं जरूर आ जाता यार। तो उसने उसको कहा, हाथ मोबाइल पे हाथ रखे कहा कि उसको बोल पैसे भिजवा रहा हूं। तो उसने कह दिया कि यार तेरी मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए मैं पैसे भिजवा रहा हूं, तू आ जा। फोन काटने के बाद एएसआई धर्मवीर ने किसी को फोन किया कि 200 रुपये डाल दो इस नंबर पे। 5 मिनट में उस नंबर पे पैसे डल गए 200 रुपये। कुछ देर बाद आशीष अपने भाई को लेके, अनमोल, आशीष अपने भाई अनमोल को लेके वहां पहुंचा, और जैसे कि पुलिस वाले ताक में थे शिकार की, दोनों को पकड़ा और पुलिस की जिप्सी में डाल के चौकी में ले आए। उनके साथ भी मारपीटी हुई। मारपीट होने के बाद उनसे, उनके फोन में जो नंबर हो रखे थे फ्रीक्वेंटली, जो दोस्तों के बाद नंबर होते रहते हैं, 2 लड़कों के नंबर और ऊपर ऊपर मिले, एक ऋषि और एक और उसका दोस्त, इसका नाम बताता हूं मैं आपको, नितिन। नितिन और ऋषि को भी इसी तरीके से ट्रैप करके बुलवा लिया, और इन 5-6 लड़कों को इलीगली अपनी अवैध हिरासत में इन पुलिस वालों ने रखा। उनको टॉर्चर किया गया, पानी की होदी में डुबकियां लगवाई गई, जलती हुई बीड़ी से उनके शरीर को फूंका गया, और माफ करना छोटे बड़े सुन रहे हैं लेकिन बताना पड़ेगा, उनके प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाल दिया गया उन पुलिस वालों ने पकड़ के। वो जो खड्डी लगी होती है टॉर्चर रूम में, उसमें उस खड़ंजे में उनके पैर फंसा के, लकड़ी के खड़ंजे में, शिकंजे में पैर फंसा के, और हाथ पैर पकड़ के, और उनके प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाला गया।
ये डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है और उन बच्चों ने अपनी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में भी कहा है, जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने उन्होंने बयान दिए हैं उसमें भी उन लोगों ने ये कहा है। इस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया और फिर वसूली का खेल शुरू हुआ। जो जो पेरेंट्स आके पैसे देते गए उन उनको ये छोड़ते गए। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, अशोक कुमार और बाला देवी ने, उनके लड़के प्रशांत को इन्होंने उस एफआईआर का हिस्सा बना दिया जो एफआईआर 27 मई 2023 को दर्ज हुई थी। ये भी स्टेटमेंट है, जिन लोगों ने उनको पैसे देके अपने बच्चों को छुड़ाया उनके भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हैं ये, किन किन ने कितने कितने पैसे दिए। और एक तो बहुत ही हैरानी करने वाली बात है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपकी आत्मा कांप जाएगी इस तरह की बातें सुन के। जब एक बच्चे का पिताजी आया वहां पर, नितिन का पिताजी वहां पर आया, उसने अपने स्टेटमेंट में कह रखा है नितिन के पिताजी ने कि मेरे जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। और जब उन्होंने कहा कि चलो मैं, हम इतने दिन से इसको खाना खिला रहे हैं तो 500 तो दें, जो कुल मिला के 500 रुपए जेब में थे वो भी उन्होंने छीन लिए। और एक जो दूसरा लड़का था ऋषि, उसके एक रिश्तेदार को बुला के पूछा गया कि तेरे पास कितने पैसे हैं, उसकी जेब में 4500 रुपये मिले, उससे 4500 रुपये ले लिए और इन दोनों बच्चों को छोड़ दिया। अब ये बात आई कि ये 200 रुपये किसके वहां से ट्रांसफर हुए थे, तो जांच पड़ताल से पता चला कि जिस अकाउंट से, जिस मोबाइल फोन के गूगल पे से एएसआई धर्मवीर ने आशीष के मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए पैसे डलवाए थे वो निकला श्रीमान सुरेश नागपाल जी, सन ऑफ लक्ष्मण दास जी। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि मेरी दिनोद गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान है बहुत पुरानी, पिछले 50 साल से, और ये एएसआई धर्मवीर, एसपीओ जसबीर फ्रीक्वेंटली मेरी दुकान पे आते जाते रहते हैं और ऐसे ही किसी किसी के खातों में पैसे डलवाते रहते हैं। और उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, कि ये 7 जून को मैंने पैसे 200 रुपये इस अकाउंट में डाले थे जो आशीष का फोन था। इस स्टेटमेंट ने ये प्रूव किया कि जो एएसआई धर्मवीर और एएसआई दशरथ ये कह रहे थे कि हमने 6 जून को ही छोड़ दिया था, सुनील और नरेश बापोड़ा भेज दिया था प्रशांत को, इस स्टेटमेंट ने प्रूव किया कि वो 7 जून को भी इलीगली उनकी अवैध हिरासत में था। एसपीसीए ने, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हरियाणा ने, अपने हेडक्वार्टर के डीएसपी से भी इसकी जांच पड़ताल करवाई। जांच पड़ताल के दौरान हेड कांस्टेबल धर्मवीर, हेड कांस्टेबल नफे सिंह और नरेश कुमार ने यह कहा कि हमारी चौकी में ऐसा कोई पट्टा जिससे पिटाई की जाती हो है ही नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट दी। और जब वो वहां पर खुद आए इंक्वायरी में जांच पड़ताल करने, तो उन्होंने वहां के फोटोग्राफ लिए जहां पे वो पट्टा और पिटाई के दूसरे सारे के सारे साधन मिले। ये सुरेंद्र जी थे नितिन के पिताजी, जिन्होंने कहा कि मुझसे 500 रुपये छीन लिए। और एक अनिल कुमार थे उनके ब्रदर इन लॉ ऋषि के, जिन्होंने कहा कि मेरे से 4500 रुपये लिए ऋषि को छोड़ने के लिए। और डीएसपी हेडक्वार्टर को, जो स्टेट लेवल के हेडक्वार्टर के टीम के थे, एसपीसीए के डीएसपी थे, उन्होंने वहां पर एक जो वो खड़ंजा था लकड़ी का वो दिनोद गेट चौकी में मिला, उनको पट्टा मिला चमड़े का जिससे लड़कों की पिटाई की गई थी और उसके फोटोग्राफ भी मिले। और उन्होंने इन फोटोग्राफ्स को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है, जबकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ऐसा कोई पट्टा या ऐसे कोई पिटाई के टॉर्चर के साधन हमारी चौकी में नहीं है। यहाँ पे लाइन लिखी गई, द फोटोग्राफ्स टेकन बाय डीएसपी एसपीसीए इज अटैच्ड विद द इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ डीएसपी एससीपीए। और उन्होंने जो कॉल डिटेल थी सरपंच सुधीर के बीच में और प्रशांत की माताजी बाला देवी के बीच में, जिन्होंने, सुधीर कुमार ने खुद एडमिट किया कि हाँ, मेरी और उनकी 9 तारीख को बात हुई थी और मैं 9 तारीख को गया भी था इनके साथ, गांव के 2-3 पंचों को लेके, मौजूद व्यक्तियों को लेके एएसआई से बात भी करके आए थे कि छोड़ दो भाई इसको, बच्चे का ज्यादा कसूर है ही नहीं कुछ, इसका क्यों इसको इलीगली पकड़ रखा है, हमारे कहने से भी उसको नहीं छोड़ा और हमने अपनी आंखों से वहां पर उस लड़के को 9 तारीख को मौके पर मौजूद देखा था, जबकि ये लोग कह रहे थे कि हमने 6 को ही छोड़ दिया था, 10 को दोबारा पकड़ा है। हालांकि ये भी पूछा गया था उनसे कि जब
तुम लोगों ने 6 को छोड़ दिया था पूछताछ करके और तुम्हें उस लड़के की इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत नहीं मिले थे चोरी में, तो 10 तारीख को ऐसी क्या नई बात मिल गई थी कि उसे फिर से हिरासत में लेना पड़ा? तो इसका उनके पास कोई जवाब था ही नहीं, झूठ का कोई जवाब होता भी नहीं है। तो कॉल डिटेल भी वेरीफाई हुई, उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरी ही आवाज में बातें की गई हैं। डॉक्टर परमिंदर से बातचीत की गई जो उस वक्त इमरजेंसी के में थे भिवानी सिविल हॉस्पिटल में, जिन्होंने इन लड़कों का मेडिकल चेकअप किया था और खुद उन्होंने कहा था कि 10 ऐसे निशान जो सीरियस किस्म की चोट के थे, जले हुए के थे, मारा पिट्टी के थे, प्राइवेट पार्ट्स में चोट के थे, वो प्रशांत के शरीर पर मिले थे। और जहां तक सीसीटीवी फुटेज की बात है तो हैरानी की बात यह है कि पुलिस को ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, मिलनी भी नहीं थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का सारा रिकॉर्ड जो सिविल हॉस्पिटल की पुलिस चौकी होती है उसमें था। और ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि ये एक ऐसी स्कूटी का मामला था जो वापस 31 तारीख को उसके मालिक को हैंडओवर कर दी गई थी। इस रिपोर्ट में जो रिटायर्ड आईएएस इसकी चेयरपर्सन हैं मिसेज नवराज संधु, इसके मेंबर हैं रिटायर्ड आईपीएस के मिश्रा, इसके मेंबर हैं आरसी वर्मा, वो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। एक बहुत ही गंभीर बात लिख रखी है पुलिस के बारे में और हमें सोचने की जरूरत है ये। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि ये जो इनकी बड़ी अथॉरिटीज हैं वहां तक आप ये आवाज पहुंचाएं। लिख रखा है इस रिपोर्ट में माननीय चेयरपर्सन और माननीय सदस्यों ने कि इट इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड दैट दीज पुलिस ऑफिशियल्स अपीयर टू बी रनिंग सम काइंड ऑफ रैकेट ऑफ एक्सटोर्शन बाय टॉर्चर इंटिमिडेशन एंड रजिस्टरिंग फॉल्स केसेस अगेंस्ट यंग बॉयज। सच एक्टिविटीज आर एक्सट्रीमली सीरियस एंड हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग बॉयज एज अथॉरिटीज हैज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस। सच काइंड ऑफ सैडिस्टिक बिहेवियर नीड्स टू बी चेक्ड बाई टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन। मैं आप समझ ही गए होंगे लेकिन फिर ही बता दूं कि उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि ऐसा मालूम होता है कि ये वर्दी वाले पुलिस ऑफिशियल अपनी चौकी में एक गैंग चला रहे थे, एक संगठित गिरोह चला रहे थे जो छोटे लड़कों पर, जो यंग लड़कों को, जवान युवा लड़कों को पकड़ के झूठे केसों में फंसा के धमकी दे के फिरौती वसूल करते थे। एक्सटोर्शन वर्ड लिखा गया है पुलिस ऑफिशियल्स के लिए। ध्यान करने वाली बात है, जो अथॉरिटीज जिन तक भी ये बात पहुंचे, जिनकी जिम्मेवारी है, आप सब की जिम्मेवारी है, जिनकी जिम्मेवारी है पुलिस ऑफिशियल्स की, जिनकी जिम्मेवारी है कि अगर कोई क्राइम करे तो उसे पुलिस बचाए, लेकिन जब पुलिस क्राइम करे, जब पुलिस संगठित गिरोह चलाए, लेकिन जब पुलिस झूठे केसों में फंसा के वसूली करे तो कौन बचाएगा इन लड़कों को? ये सोचने वाली बात है सभी अथॉरिटीज के लिए, और ना केवल अथॉरिटीज के लिए, हम सब के लिए भी, सभी सिविलियंस के लिए भी। इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में लिखा है, देयरफॉर द अथॉरिटी रिकमेंड्स सस्पेंशन ऑफ एएसआई दशरथ, एएसआई धर्मवीर, हेड कांस्टेबल नफे सिंह, हेड कांस्टेबल नरेश एंड एसपीओ जसबीर, उनके सस्पेंशन की रिकमेंड करी है। अथॉरिटी ऑल्सो रिकमेंड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट ऑल द अबव सेड पुलिस ऑफिशियल्स फॉर इलीगल कन्फाइनमेंट एंड इन्फ्लिक्टिंग इनह्यूमन टॉर्चर ऑफ प्रशांत, अनमोल, नितिन एंड आशीष एट पुलिस पोस्ट दिनोद गेट पुलिस चौकी। कि ना केवल इनको सस्पेंड किया जाए बल्कि इनके खिलाफ अवैध रूप से हिरासत में रखने का, अवैध तरीके से टॉर्चर करने का, अवैध वसूली के का और झूठा केस दर्ज करने का क्रिमिनल केस, एक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया जाए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात जो है वो अब है, जो आपको बता रहा हूं, ये 13 अगस्त 2024 का ऑर्डर है, उसके बाद एक चिट्ठी आई है और वो चिट्ठी आई हुई भी एक महीने से ऊपर हो चुका है। वो चिट्ठी आई है इसी अथॉरिटी की 24 सितंबर 2024 को, एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। उसकी एक कॉपी डीजीपी हरियाणा को भी गई है, एक कॉपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भिवानी को भी गई है और उनमें लिखा गया है कि इस ऑर्डर को लागू किया जाए, इन लोगों के खिलाफ इनको सस्पेंड करके और इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। ज्यादा हैरान आप इस बात से होंगे कि ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है किसी की तरफ से। अभी भी ये दशरथ कुमार
किसी भिवानी की जैन चौकी का पुलिस इंचार्ज लगा हुआ है, बाकी सारे लोग भी किसी न किसी जगह पे पोस्ट पे होंगे। और किसी ने आज उनसे पूछा तो बताया गया कि मैंने स्टे ले रखा है। जहां तक मैंने हाईकोर्ट का रिकॉर्ड छान के मारा है, सुबह से कहीं भी कोई स्टे ऐसा नहीं है जहां से इस ऑर्डर के अगेंस्ट में स्टे लिया गया हो, और लिया भी गया है तो मिले बगैर से लिया गया होगा। तो आई रिक्वेस्ट द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भिवानी, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल DGP हरियाणा, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नायब सैनी जी, जिनके पास पुलिस महकमे का चार्ज भी है, कि जरा देखें ये अंधेरगर्दी आपके कानून से जुड़े लोगों की, कि अथॉरिटी फिर ये स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर इन्होंने 3 महीने 4 महीने पहले कोई ऑर्डर किसी पुलिस ऑफिसियल के अगेंस्ट पास किया है और वो अगर लागू नहीं हुआ है तो फिर क्यों लोग वहां पर जाएंगे, क्यों इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। और आजकल तो वैसे ही आपके पुलिस के कारनामे जग जाहिर होते जा रहे हैं। गैंग चलाते हैं, हिसार में एक DSP पकड़े गए हैं जो कब्जाधारियों के साथ गैंग चला रहे थे। एक DSP के अगेंस्ट में एक कंप्लेन है कि कोई डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। अभी हिसार रेंज के एक IPS जो SP हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, उनके खिलाफ वहां के महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतें दी हैं। जब पुलिस के ही लोगों के खिलाफ शिकायतें होंगी और उन शिकायतों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कैसे भरोसा रहेगा पुलिस पर से, पुलिस अथॉरिटी पर से। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के आपसे कि एक्शन लीजिए इस रिपोर्ट के ऊपर, और सभी लोगों से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, खासकर वो माँ बाप जिनके बच्चों को पुलिस ऐसे उठा लेती है, डरे नहीं, हमें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे अशोक कुमार और बाला देवी लड़े। आज मेरे भी घर पे कुछ ऐसे बात हो रही थी, तो हो जाता है ये फैमिली मेंबर्स को चिंता हो जाती है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन जब भी किसी प्रशांत पर इस तरह का हो हमला, किसी पुलिस अधिकारी के जरिए झूठा केस लगे, इलीगल डिटेंशन हो, टॉर्चर हो, तो अशोक कुमार बनना पड़ेगा सबको, बाला देवी बनना पड़ेगा सबको। और जब हम अशोक कुमार और बाला देवी बन के लड़ेंगे तो किसी दशरथ और धर्मवीर की औकात नहीं है कि वो प्रशांत की तरह हमारे बच्चे की तरफ बुरी नजर से उंगली देख भी पाए आंख उठा के। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जागरूकता फैलाइए, अगर कोई किसी के साथ ऐसा होता है। और इस ASI के तो पहले भी कारनामे जग जाहिर है। मुझे एक लड़का मिला था एक बार भिवानी में ही, पानीपत का, इंडिगो एयरलाइंस में काम करता था गुड़गांव में, अवैध तरीके से उठा लाए। दो लड़कों के बीच का लेन देन का मामला था, खरक चौकी का था जब ये इंचार्ज, और इसको उसने उस लड़के को जो MBA पास वो लड़का, इंडिगो एयरलाइंस में काम करने वाला वो लड़का, रात को वीडियो कॉल करके कपड़े उतरवा के न्यूड करके उसको पूरी तरीके से नंगा करके, और वीडियो कॉल में उसके माँ बाप भाई के सामने करके उसको डंडे मारे। और उसके बाप ने जब गिड़गिड़ाते हाथ जोड़े कि मत मारो साहब, तो उसने कहा कि एक डंडा 10,000 का है और मुझे तो 50 मारने थे, 25 मार चुका, बाकी 25 रुकवाने हो तो 2.5 लाख रुपए लेके आ जाइयो। और वो लोग सुबह 4 बजे वहां पहुंचे अलग अलग ATM लेके, और ये आदमी अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी में कलानोर और रोहतक के ATM में डाल जाके खुद वहां से उनकी मौजूदगी में पैसे निकाल निकाल के 2.5 लाख रुपए लाया। हालांकि ये इस केस की भी इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, चल रही है, उन लोगों के पास CCTV फुटेज है रोहतक की और कलानोर की ATM की। तो जब इतनी जब सरेआम, और आज 50 कॉल मुझे भिवानी से आ गए कि इसका तो ये भी है, इसका तो ये भी है, मैं उन सब से कहता हूं तो भाई ये भी है तो ये भी है, तो अब बोलना चाहिए था ना, बोलिए ना, डर क्यों जाते हैं हम लोग, जो होगा देखी जाएगी, मेरे में कम कर दिया था क्या, इस मरने से ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन वो जिल्लत की जिंदगी 80 साल की हो, उससे 8 घंटे की वो बेखौफ और वो गैरत की जिंदगी ज्यादा अच्छी। गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, गलत मत होने दीजिए, और जब आप लोग आवाज उठाएंगे तो किसी के, एक बार फिर बोलता हूं, बहुत अच्छे काबिल ऑफिशियल्स भी हैं, बहुत शानदार और बहादुर पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं हरियाणा पुलिस में। मेरी चंडीगढ़ में पंचकुला में कितने सीनियर ऑफिशियल से बात होती है, मेरे केस को लेके, इस तरह के मामलों के लेके, सारे कहते हैं वो कि मानते हैं हम कि 10-20% इस तरह के नालायक गद्दार ये होते हैं, इस तरह के बुरे ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो खुद मानते हैं कि हमारे 90% जो काबिल लोग हैं उनके अच्छे काम एक इस तरह का अधिकारी सारे सबके ऊपर मिट्टी पलीत कर देता है, क्योंकि पब्लिक के जहन में और मीडिया के जहन में ये बातें ज्यादा छपती हैं। तो गलत नहीं कहते हैं वो, ईमानदार ऑफिशियल्स भी हैं, अच्छे ऑफिशियल्स भी हैं,
बस इतनी सी बात है कि उन तक पहुंचा कैसा जाए। तो ये तो मुझे तो, हालांकि मैं पहली बार कोई ऐसा ऑर्डर पढ़ रहा हूँ स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का, जो सेक्टर 19B चंडीगढ़ में है, और मुझे तो इनके, मैंने इनकी इनकी साइट भी देखी है, बड़ा अच्छा लगा सारा इनका। हालांकि बीच में इनके चेयरपर्सन और मेंबर्स डेपुट नहीं थे, तो हाईकोर्ट ने कुछ कहा भी था कि आप लगाओ ये, लेकिन अभी इनका फुल फ्लेज्ड ये है। और इस फैसले के बाद तो, उनके इस ऑर्डर के बाद तो मुझे इस अथॉरिटी के प्रति रिगार्ड बहुत ही हद तक, अच्छी हद तक बढ़ गई है। मैं सैल्यूट करता हूँ इन चेयरपर्सन को, अथॉरिटी के चेयरपर्सन को, और दोनों मेंबर साहिबान को, और जो भी DSP साहब जिन्होंने एक तरह से बहुत ही अच्छी छानबीन करी। अब आपके सामने है, ये भी तो हमारे सिस्टम से ही जुड़े अधिकारी हैं, और जिन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया। और ये ठीक है, प्रशांत के जख्मों को और बाला देवी और अशोक कुमार की टॉर्चर को तो वापस नहीं ला सकते, उनकी पीड़ा को तो नहीं लौटा सकते, लेकिन कुछ हद तक उस पर मरहम तो लगा सकते हैं। तो आपकी आवाज अगर उठेगी तब पुलिस और बड़े अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके ऊपर एक्शन लेंगे, इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को सस्पेंड करेंगे, और न केवल सस्पेंड करेंगे बल्कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करेंगे।